Hello class. Today's lecture is work and time. लास्ट क्लास में अपन ने इस पे लेक्चर लिया था, है ना? ठीक है, उसके सबसिक्वेंट पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग आता है ना. द टॉपिक नेम इज, ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड ठीक करता हूँ, मार्कर, है ना. दैट इज टॉपिक नेम इज वर्क एंड टाइम. इजी, बहुत इजी है ना. सबसे बड़ी खास बात है ना, अगर आप इसे किसी साइट से या बुक वगैरह से रेफर करना शुरू करोगे तो होता क्या है कि दे विल टेक स्पेशली इन दिस ना वर्क एंड टाइम, है ना, वो उसे एक यूनिटरी मेथड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना. अब यूनिटरी मेथड का दिक्कत क्या होता है कि वो शुरुआत में तो बड़ा अच्छा लगता है, जब फैकल्टी एक्सप्लेन करता है तो बड़ा मजा आता है, ऐसा ऐसा बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है. लेकिन जब आप इसको एक्चुअल सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल पे जाओगे तो यू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, वो फिर बहुत मुश्किल सा हो जाता है, वैसे लगेगा कि क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए इसको आप बेसिक इसकी जो मेथड है उससे सीखिए, फिर तो आप किसी भी एग्जाम में किसी भी लेवल का इस पर न्यूमेरिकल आएगा आप इसे बड़े आसानी से बना सकते हैं, आई एश्योर यू, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है. लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी कुछ बेसिक चीज़ें आपके साथ में बनाना पड़ेंगी, तो थोड़ा बहुत बेसिक सीखिए ना. पहला ईजी है, ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा और नोट वोट करने चक्कर में रहिएगा. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. ए करके कोई बंदा है मेरे पास, वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है. दैट्स इट, इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट ना. अब इससे क्या क्या निकल सकता है वो सोचिए, और थोड़ा सा एजम्पशन भी रहता है इसमें कि वो हर दिन ऐसा इक्वली काम करेगा, हर दिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कि खुश हो गया गर्लफ्रेंड मिलकर तो ज़्यादा काम कर दिया, 2-3-4 दिन बाद मुलाकात नहीं तो मतलब काम नहीं करा, ऐसा कुछ फंडा नहीं. सिंपल, हर दिन वो कैसा काम करेगा, इक्वल, बिल्कुल बराबर काम करने वाला, ठीक है. अब आप मुझे बताइए इसी पर्सन का, ए का, इस पर्सन ए का 1 day का वर्क कितना होगा. दैट इज सिंपली ऐसे टोटल वर्क मान के चलो W है, डिवाइड बाय 10, है ना. That is, you may say 1/10 of the work, or you will simply say 1/10 part of the work. ये खास है. अगर total days 10 है तो 1 day का work कितना हुआ, 1/10, है ना. Total days 20 है तो 1 day का work कितना बना, 1/20. Total days कितने हैं, 9, तो 1 day का work कितना बना, 1/9. Just reciprocal, उसका ठीक उल्टा कर दो, reciprocal ले लो, ठीक है ना. तो इसी पास नहीं कहा 2 days का वर्क बताइए कितना होगा मेरे पास, बोलो. दैट इज 2/10. अब लॉजिकल आप इसे 1/5 लिख सकते हैं, है ना. 2 days का 2/10, तो 1/5 हो गया. तो सिंपली इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करें, इसी पर्सन ए का 10 days का वर्क कितना बनेगा, बोलो बोलो. 10/10 या 1, अरे 1 का मतलब कितना, 100%, है ना, इन्हें काम कंप्लीट हो गया. इस पूरे टॉपिक में दो ही कंसेप्ट है. पहला कंसेप्ट वो ये रहा ना, ध्यान से किए, जो 1 day का वर्क होता वो होता है रिसीव होता था टोटल डेज के वर्क, टोटल डेज कितने 10, तो 1 day का वर्क कितना बना, 1/10, ऐसा, ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, टोटल वर्क हमेशा कितना होता बताइए मेरे पास, है ना, टोटल वर्क डन, यहां लिखता हूं थोड़ा साइड में करता, ठीक है. दैट इज टोटल वर्क डन काम पूरा हो जाएगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इक्वल टू 1. दैट्स इट. गौर से, जब तक वैल्यू लेस देन 1 है तो वर्क कैसा रहेगा, रिमेनिंग. काम हमेशा बाकी रहने वाला है, जब तक वो लेस देन 1 है काम बाकी रहेगा, ठीक है. जैसे ही वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती द वर्क विल बी ओवरफ्लो. वर्क ओवरफ्लो का मतलब क्या, जितना आपको काम चाहिए आपने उससे ज़्यादा डिमांड से ज़्यादा कर दिया, ठीक है, यानी काम ज़्यादा हो गया ना, ठीक है. बेसिकली ये जो केस है ना, ये वाला ये केस होता है, ये ओवरफ्लो, ये पाइप्स एंड सिस्टम्स में चलेगा, जो अपन इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्यों एक जैसे लेक्चर, ठीक है. तो फिलहाल
वन डे का वर्क कैसे का रेसिपी कर लो, टोटल डेज का वर्क आ जाएगा। टोटल डेज का रेसिपी करो तो वन डे का वर्क आता। टोटल वर्क जब हमेशा कितना होता है, इक्वल टू वन। जैसे इक्वल टू वन हो जाएगा फ्रैक्शन काम कंप्लीट, जब तक लेस देन वन है वर्क रिमेनिंग रहेगा, जैसे ग्रेटर देन वन होगा वर्क कैसा जाएगा और फ्लो। ये पहली चीज क्लियर। अब आगे थोड़ा सा है ना, देखो इसी को पैरेलल वन डे वर्क कितना हुआ, 1/10। तो आप रिमेनिंग भी निकाल सकते हो कितना काम बाकी है ना। तो रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग अपन निकालेंगे टोटल माइनस डन, जो टोटल काम है उसमें से जो हो गया उसे माइनस कर दो। सही बात है ना, है ना। तो फिलहाल वन डे में हुआ वर्क कितना, 1/10। तो कितना बाकी रहा, तो टोटल वर्क कितना, 1 1 - 1/10। वन डे का वर्क कितना, 1 9/10। सही बात है, एक दिन का अगर काम हुआ तो 9 दिन का बाकी है। आगे 2 डेज में हुआ कितना था, 2/10। तो 1 - कितना, 2/10। बोलो कितना हुआ, यस सही, बिल्कुल सही, 8/10। अब आप इसे लॉजिकली कह सकते हो 4/5, क्योंकि 1/5 हो गया है तो 4/5 काम बाकी आएगा, ये गारंटी। इन सारी चीज़ें क्लियर अभी तक, आगे बढ़े अपन, है ना। इजी टॉपिक और फटाफट बनेगा, ठीक है ना। इसके अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें कहना, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखियो और आराम से बनेंगे, ठीक है। हम एक छोटा सा डेटा लेता हूँ, ठीक है। पहले एक तो इसको थियोरेटिकल थोड़ा समझा देता हूँ, लेकिन अपने थियोरेटिकल या थ्योरी का यूज थोड़ा कम ही करने वाले हैं, ठीक है। अपन अपने हिसाब से जो अपने थ्योरीज दिए, बेसिक जो सीखे हैं उनको अपन अप्लाई करेंगे, लेकिन फिलहाल फिर भी थियोरेटिकल थोड़ा समझने के लिए। मान के चलो, ए करके बंदा किसी काम को 8 डेज में फिनिश करता है, बी करके बंदा उसी काम को 20 डेज में, लेकिन सेपरेटली अलग अलग। फिलहाल अपन ने दो ही बंदे लिए फिनिश करते हैं, ए किसी काम को पूरे काम को 1 दिन में, बी करके बंदा किसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है, अलग अलग। मैंने बोला इन दो बंदों को एक साथ लगा दो, दोनों एक साथ अगर काम करेंगे तो फिर वर्क कितने में फिनिश होगा। तो देखो कितना सिंपल अरिथमेटिक है। अब इसके अंदर यूनिटरी मेथड या उसको एलसीएम निकालना कोई जरूरत नहीं, ध्यान से। तो मुझे क्या निकालना, ए और बी को साथ में, तो आप क्या बोलो ए और बी का वन डे, तो क्या होगा, ए अपने वन डे का कॉन्ट्रीब्यूशन करे काम का और बी अपने वन डे का कॉन्ट्रीब्यूशन कर दे। हाँ बी कॉशियस, ध्यान से रखना। टोटल डेज कितने ए, तो वन डे का कितना बना 1/, टोटल डेज बी की कितने थी तो 1/B। टू एलसीएम प्लीज, दैट इज ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बी प्लस ए, इसे अरेंज कर देते हैं। ये क्या है, ए और बी का वन डे, दैट इज ए प्लस बी अपॉन ए बी। लेकिन मेन एग्जाम आपसे हमेशा पूछेगा दोनों को साथ मिला के टोटल डेज कितने, पर आपने अभी क्या सीखा, वन डे का अगर अपन रेसिप्रोकल करें तो कहेंगे टोटल डेज। तो फिलहाल लॉजिकली आप क्या करोगे, टोटल डेज कितने रहेंगे, दैट इज ए बी अपॉन ए प्लस बी डेज। फिलहाल दो की जगह 3 बंदे होते तो क्या करते, तो फिर आप बोलते ए प्लस बी प्लस सी वन डे वर्क, वो था 1/A, 1/B और 1/C। इसका एलसीएम कितना बनता है, बिल्कुल सही, ए बी सी है ना, तीनों को मल्टीप्लाई में, इसको छोड़ो ए को छोड़ो तो बचा कितना बी सी, बी को छोड़ो तो कितना बना ए सी, सी को छोड़ो तो कितना बचा ए बी। तो अभी फिलहाल फिर से देखिए आपके यहाँ पास है ए बी सी का वन डे, दैट इज ए बी अरेंज करो ना, प्लस बी सी प्लस सी अपॉन कितना बना ए बी सी। लेकिन ये तीनों के क्या है मेरे पास, बिल्कुल सही वन डे का बात है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तब जाके मुझे क्या मिलेंगे, टोटल डेज। टोटल लगेंगे ए बी सी डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डेज। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ इनको घोटने की या रटने की जरूरत नहीं है, हम इन सबके बिना ही करने वाले। लेकिन अगर थियोरेटिकल आपको कहीं पूछ लिया गया, अब मिनी एग्जाम में आ गया, तो आप कैसे डील करोगे, दैट्स अ वे, ठीक है ना। फिर से बोला इसको यूनिटरी मेथड से या ऐसा वो होता है एलसीएम से लगाने की कोशिश कभी मत करिए, है ना। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं, श्योर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन इसके ऊपर मैंने क्या किया है ना, मैंने क्या किया है कि इस टॉपिक में जितने वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल आते हैं ना, ठीक है, तो इन सारे न्यूमेरिक का एक टाइप जो है इनका होता है ऑन एंड, वो सारे एक टाइप पकड़ लेते हैं हम लोग ना, और इनके ऊपर जितने प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सारे एक बार में आपको स्नैपशॉट एक बार में बना के दिखा लेते हैं, उसी डेटा का इस्तेमाल करके ना, हम डेटा चेंज नहीं करेंगे बार बार, ठीक है। तो डेटा ये है,
ए किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में फिनिश कर रहा है, लेकिन श्योरेंस शॉट, हाँ बिल्कुल सेपरेटली अलग अलग, ए 12 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में फिनिश अलग अलग बैठ के कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये होगा, अगर इन दोनों बंदों को एक साथ काम पे लगा दें तो काम कितने में फिनिश होगा? तो आप चाहो तो ए बी अपन ए प्लस बी से काम चला सकते, लेकिन नहीं फिलहाल अपन उससे नहीं करेंगे। तो आप ए प्लस बी वनडे बोलो, इधर बी का वनडे यानी ए का वनडे कितना बोलो, 12 कितना 12 डेज, तो वनडे का वर्क कितना बना 1/12, बी का 12 डेज कितना 20 है तो कितना बना 1/20, एलसीएम लोन का कितना 60 है ना, 12 कितना 5 है, 20 से कितना 3 है, 8/60, और सॉल्व करो 4 सोलह 2/15, ध्यान से करो, यह आपका आंसर नहीं है फिलहाल, यह आपके पास ए और बी का वनडे का वर्क, तो ए और बी का वनडे कितना बना 2/15, तो आपको निकालना है टोटल डेज, टोटल कितने लगेंगे 15/2 या 7.5। इस टॉपिक में अधिकतर आंसर फ्रैक्शन में आते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? तो कितने लगेंगे मेरे पास 7.5, 7.5, सिंपल सा है ना, डन श्योर है ना, ये इस डेटा पे पहला सिंपल सा सवाल था ये है। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं है ना, देखो और खास बात पाइप इंसेप्शन जो उसके जस्ट अपन बाद आगे पढ़ेंगे ना, उसमें भी अपन ये डेटा इस्तेमाल करने वाले हैं, बिल्कुल सेम डेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल ये क्लियर है। अब ये सवाल थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है? अगला टाइप के सर टाइप क्वेश्चन का देखो, कि आपसे बोलेंगे कि ये लोग है ना, मान के चलो ये ए 12 दिन में फिनिश कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में फिनिश कर रहा है, ये दोनों एक साथ मिलके 5 दिन काम करेंगे या 4 दिन काम करेंगे, व्हाट एवर नंबर ऑफ डेज देंगे, ओके इतने दिन तक दोनों ने मिलके साथ में काम किया, उसके बाद इनमें से एक बंदा चले जाएगा, तो बचा हुआ काम कितने में फिनिश होगा या टोटल कितने डेज लगेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो कितना आसान है ना, बेहद आसान है हाँ। तो कैसे बनाएंगे, पहले से कुछ समझो, न्यूमेरिकल समझो ना, सवाल ये है कि 5 दिन तक, मैं इससे हटा देता हूँ, बेटर होगा, ठीक है? दिखेगा विजिबल हो जाएगा, ठीक है? 5 दिन तक काम करेंगे ए और बी, अब इनमें से फिर एक बंदा चले जाएगा, हो सकता है मान लो ये पहला केस, बी चला गया तो बचा हुआ काम किसके हवाले, ए के, और इस केस में अगर ए चला गया तो बचा हुआ काम किसके हवाले, बी के अलावा। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है कि वो 5 दिन के बाद कितना टाइम लगेगा उस टाइम को, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, या फिर बोलेगा कि टोटल कितना टाइम लगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो दोनों देखो, फिलहाल सवाल अपना ये कि वो 5 दिन तक साथ में काम कर रहा है, उसके बाद फिलहाल ये अलावा लेफ्ट आला है ना, और गौर करो ए 12 दिन में लग रहा है उसको, और बी को उसी काम के लिए कितने रहा है 20 दिन, सेपरेटली अलग अलग है, ये फिलहाल ध्यान रखना, ठीक है? तो हुआ क्या, देखो कितना ईजी अरिथमेटिक्स बनेगा, क्या है 5 दिन तक किसने काम किया, ए और बी ने, सिंपल लिखो जैसा अरिथमेटिक वैसे कैसे, 5 दिन तक कौन कौन साथ में ए और बी, अब उसके बाद इनमें से एक बंदा गया, तो कौन गया, बी, बचा कौन, ए, अब कितने दिन काम करना वही तो ढूंढना, तो आप बोलोगे सिंपली वो कितना दिन काम करेगा, एक्स डेज, कौन, ए, काम पूरा होगा हाँ वेल इक्वल टू 1, क्योंकि मिलके काम कंप्लीट करेंगे है ना, तो इक्वल टू 1, बस एक हादसा और कुछ नहीं। अब इसके लिए यूनिटरी मेथड या एलसीएम बटने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा ये तो क्या बोलेंगे 12 और 20 का एलसीएम 60 है, फिर सॉल्व करते बैठेंगे, नहीं नथिंग एल्स, दैट्स इट। देखो 5 डेज के लिए ए का 12 डेज कितने 12, वनडे का कितना 1/12, बी के 12 कितने 20 तो 1/20, एक डेज के लिए ए के वनडे का काम 12 12, तो फिर वनडे का कितना बना 1/12 इक्वल टू 1, 2 का एलसीएम 60 हुआ, ये 12 5 जा 20 3 जा 5x इक्वल टू कितना 1, उधर ले आओ 5x इक्वल टू कितना 60 है ना, 8 5 जा 40, 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना बना बोलो 4। तो सवाल में दो टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं ना, कैसे पूछ सकता हूँ, पहला टाइप है ना, फाइंड रिमेनिंग डेज, तो अगर वो पूछे कि 5 दिन के बाद कितना टाइम लगा, तो आप आंसर कितना होगा, यस सही बिल्कुल सही, एक्स वर्ड कितना 4, हाँ। लेकिन अगर वो पूछे क्वेश्चन में टोटल डेज,
टोटल डेज कितने हैं, तो पिछले वाले 5 जो 7 में काम किया और अभी के 4, इक्वल टू कितना लगेंगे 9 डेज। ऐसा डन है, क्लियर है ना। तो अगर वो बोले कि ए चला गया तो बचाओ काम किसके हवाले, बी के, तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, तो उसके आंसर की आप घर पे कोशिश करना बनाने की, ठीक है। अगर नहीं हो तो आप फिर वो तो व्हाट्सअप करना ही है, मेरे को बता देना, मैं मैसेज भी डालूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ए है, इस केस में अगर ए चला गया और बचाओ काम बी किया, तो ए अगर अगर वो पूछे रिमेनिंग डेज, तो रिमेनिंग डेज आएंगे 6 2/3 डेज। लेकिन अगर वो पूछे बी टोटल डेज, टोटल कितने पिछले 5 और अभी के 6 2/3, तो कितना बनेगा 11 2/3 डेज। क्लियर है सब लोगों को ये चीज़ है, ये डाउट तो नहीं आ रहा, देखो है ना पक्का, इजी हो बस इसमें। यहाँ तक तो ठीक है, एक्स डेज की एक जगह आपसे बी लिख देना, बाकी तो सब हो जाएगा, ठीक है, हटाए से है ना। चलो ये दूसरा कंसेप्ट हो गया, तीसरा कंसेप्ट जो इसमें आता है, ठीक है, वो होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी एंड टाइम, टाइम और इफिशियंसी में क्या रिलेशनशिप है? उल्टा, ठीक उल्टा। जितना बंदा इफिशियंट होता है टाइम, उतना कम लगेगा। बंदा जितना कम इफिशियंट टाइम, उतना ज्यादा लगेगा, ये गारंटी है, ठीक है। श्योर, फिर भी इसको अब एक काम करते हैं, अपन ये जो डेटा ना 12 दिन 20 दिन इसको छोड़ते हैं, छोटी सी एक सिंपल वैल्यू लेके आप उनको समझाता हूँ। आप मुझे बताओ पी और क्यू पे 2 लोग हैं, है ना, ध्यान से। पी किसी काम को 10 दिन में फिनिश करता है और क्यू उसी काम को 20 दिन में फिनिश करता है, इन दोनों में फास्ट कौन है? पी, क्यों? तय क्यों? क्योंकि वो कम दिन ले रहा है, और लॉजिकली कितने कम दिन ले रहा है? ठीक आधे, वो डबल काम कर रहा है, तभी तो आधे दिन में काम ले रहा है। यानी आप बोलो डेज का रेशियो कितना उसका 1:2, इफिशियंसी का रेशियो कितना है? ठीक उल्टा 2:1, है ना, इसका रेसिप्रोकल है, हाँ, क्योंकि डबल काम करेगा तभी तो आधे दिन में काम करेगा। यानी इफिशियंसी और टाइम जैसे है रेसिप्रोकल, यानी अगर इफिशियंसी है तो टाइम जैसे बनेंगे रेसिप्रोकल, और टाइम दिया तो इफिशियंसी रेसिप्रोकल होगी, इतना, ये दो चीज़ें, पहली चीज है ना। और एक चीज है ना, ध्यान से, अगर इसको वेरिएबल के टर्म में ना, कि ए करके बंदा किसी काम को ए डेज में फिनिश कर रहा था, बी करके बंदा उसी काम को बी डेज में, तो इनके टाइम का रेशियो कितना बनेगा? फिर से 1/1/b। अब ये फ्रैक्शन बना, तो फ्रैक्शन रेशियो को हमेशा फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करा कर हटाने के लिए उसका एलसीएम लेकर उससे सिंप्लीफाई कर दो, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा? ए बी, ए और बी ना, एलसीएम कितना ए बी, कितना बी टू, जस्ट बस ए बी था तो कितना बन गया मेरे पास बी। लेकिन अगर ये लोग 3 है तो थोड़ा सा वैल्यू चेंज होती है ना, ध्यान से, ए बी सी मान के चलो इनके टाइम का रेशियो दिया ए डेज बी डेज सी डेज या ए आर बी आर सी आर कुछ भी, तो इनकी इफिशियंसी क्या बनेगी का रेशियो 1/1/b/1/c, एलसीएम कितना ए बी सी, तो रेशियो बना बी सी ए सी और ए बी, है ना। बी कॉशियस थोड़ा ध्यान दो, ये सी बी है, ऐसा नहीं बनता, हर बार सी बी आएगा ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, तो थोड़ा वो चेंज होता है, उसे ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल फिर से बताएं थियोरेटिकल, लेकिन अगर आपको मेन एग्जाम में कभी आ जाए तो डील करने के लिए आपको पास नहीं, ठीक है, इसलिए एक्सप्लेन किया है आपको ना, है ना। आगे बढ़ा दें, अब यही सवाल, कौन सा? प्रीवियस डेटा अपना, ये 12 दिन में 20 दिन में बोला, इन दोनों बंदे को साथ में काम पे लगा दिया, एक साथ शुरू भी होगा काम, खत्म भी कर दिया, अब इसके बाद इनको सैलरी मिली, तो बोलो सैलरी कैसे बांटोगे? तो ऐसा नहीं कि इन दोनों ने काम किया तो बराबर सैलरी बटो, नहीं, लॉजिकली क्या बोलोगे, जो जितना ज्यादा काम किया उसको उतना पैसा बांटा जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो ए 12 दिन में और बी 20 दिन में उसी काम को फिनिश कर रहा है, इनको काम खत्म होने पर टोटल सैलरी मिली 5600, 5600 रुपये मान लो,
है ना, तो आप बोलेंगे किसको कितना शेयर दोगे, तो शेयर या जो अमाउंट है वो किसके टर्म में बढ़ेगा, एफिशिएंसी, क्योंकि जो जितना ज़्यादा काम करे उसको उतना पैसा दो, है ना। तो देखो अब आप क्या बोलोगे, ए और बी ये डेज कितने, 12 और 20, 400 लाओ, 3:5, तो इफिशियंसी किसी बनी, फिलहाल तो दो ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इफिशियंसी के साथ इसी पकड़ 5:3, तो जो सैलरी किस रेशो में बटेगी 5:3 में, बिल्कुल सही। तो मान के चलो, तो अब आप बोलो ए का शेयर, ए को कितने पैसे मिलेंगे, ध्यान से, ए को मिलेंगे 5 हिस्से, क्योंकि बंदे सिर्फ दो हैं, तो टोटल पार्ट कितने मिलेंगे, 5 + 3, ऐसा हाउ मच कितना, 5600, 5/8 ऑफ 5600, 8 7s 3500। नहीं, इस केस में ए को 3500 रुपये देना आपको, लेकिन अगर ये बंदा बी होता तो, हाँ तो कितना देते आप, 3/8, टोटल कितने बनते, 3 and 5 = 8, हाउ मच कितना, 5600, 7/8 दैट इज 2100, उसपे 2100 रुपये देकर रवाना कर देते, ठीक है, है ना, हाँ है ना। अब इस पूरे टॉपिक में अगर आप जो बेसिक एग्जाम है SSC वगैरह, यहाँ पर छोटे छोटे जो एग्जाम स्टार्टिंग है सिंपल क्वेश्चन के लिए वाले ये क्वेश्चन ट्रिप प्रेफर करते हैं, लेकिन इसी टॉपिक में अगर टफ चीज खींचना हो तो अगर आपको एक लेवल अप पे चेक करना पड़ता है, करना चाहे तो आपको एक कंसेप्ट देगा, है ना, वो कंसेप्ट बड़ा चलता है ना, उसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। थोड़ा अलग है ना, बहुत कम बुक इसे अच्छे से एक्सप्लेन करती है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है ना, और बनना चाहिए, उस पर न्यूमेरिकल आया तो बड़ा इजी है, फटाक से बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर से एक चीज़, टोटल वर्क कितना होता है, इक्वल टू 1, जैसे वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगी, काम कैसा जाएगा कंप्लीट, लेस देन 1 है तो वर्क कैसा रहेगा रिमेनिंग, तो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो कैसा वर्क कैसा हो जाएगा ओवरफ्लो, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं ना, कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब ये क्या होता है, देखो मान के चलो फिलहाल अपने पास ए और बी है, एक साथ काम करा रहे हैं, लेकिन कभी सिचुएशन ऐसी बने कि एक दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, फिर ए फिर बी, ऐसा कुछ सीक्वेंस हो सकता है ना, कि हर दिन अलग अलग एक बंदा अलग, फिलहाल दो ही बंदे हैं, आप 3-4 के लिए भी एक्सप्लेन करते हो, बड़ी बात नहीं, ईजिली बनता है। लेकिन देखो कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव होता है कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में सेपरेटली फिनिश कर रहा है। अगर मैं इनको अल्टरनेट डेज एक एक दिन छोड़ के लगाऊं तो अब काम कितने में फिनिश होगा, तो उसका कंसेप्ट, इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा समझना पड़ेगा, है। तो फिलहाल देखो काम मान के चलो, लेकिन इसमें स्टार्टिंग जो स्टार्ट करा उसके ऊपर डिपेंड होती है सिचुएशन, ऐसा नहीं कि रिजल्ट हर बार सेम आता है, ऐसा नहीं, जो स्टार्ट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी मान के चलो अगर मैं बोलूंगा इफ ए इनिशिएट्स अ वर्क, केस ए, इफ ए इनिशिएट्स अ वर्क, अगर ए काम शुरू होता है तो सीक्वेंस कैसे चलेगी, ए बी है ना, टिल कब तक चलेगी, जब तक वैल्यू इक्वल टू 1 ना बन जाए, है ना। लेकिन अगर बी स्टार्ट करेगा तो कैसा बनेगा, बी ए ऐसे सीक्वेंस बन जाएगी ना, ठीक है। फिलहाल अपन पहला केस लेते हैं, क्या तो आप क्या बोलोगे आंसर, ए प्लस बी, पहले बोलते आप 1 डे, अब लेके लाए ए और बी का 2 डेज का वक्त, क्यों, क्योंकि पहले दिन ए अगले दिन बी, पहले दिन ये दूसरे दिन ये तीसरे दिन ये चौथे दिन ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब बोलो ए और बी का कैसा 2 डेज का, तो ए और बी का 2 डेज का वक्त बोलो, तो 1/12 1/20, फिर सेल्सियम कितना 60, 5 + 3 फिर से कितना 8/60 और काटो 2/15, है ना। तो ज़रा ध्यान से देखो ये कैसा है, ए और बी का 2 डेज का वक्त, है ना, कितना है 2/15, इसको थोड़ा सा वापस देखते हैं ना ध्यान से, तो 2 डेज में कितना ए और बी मिलके कितना कर रहे हैं बोलो, 2/15, देखो 2 डेज में कितना 2/15, तो 4 डेज में कितना होगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 2, अरे हाँ ना 4 डेज लाना, तो 4 डेज को क्या करोगे मल्टीप्लाई बाय दिस साइड बाय 2, 200 मल्टीप्लाई कर दो आप इसे, तो ये क्या बनेगा, है ना, तो ये बनेगा 4 डेज में कितना होगा, आंसर ध्यान से बोलो, इंटू 2 करो तो कितना बनेगा, 4 डेज में कितना बनेगा मेरे पास बोलो, ए और बी का वक्त, है ना,
4/3। ये चीज समझाने की चीज थी कि 2 दिन में कितना 2/15, तो 4 डेज में कितना 4/15। तो लॉजिकली आप क्या बोलोगे ध्यान से को मेरे पास, दैट इज ऑन 14th डे जैसा ना ईयर भी कितना करेंगे मेरे बोलो 14/15 वक्त है ना, है ना शर है काम, दो दो इनका क्लब कर रहे हैं ना अपन, तो 2 डेज में कितना 2/15, तो अगले 2 दिन में कितना 4/15, तो दो 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 ऐसे 7 पेयर बन गए, तो 7 पेयर कितने 14 डेज, तो 14 डेज किसे हैं क्योंकि पहले 2 दिन ये रहे फिर 2 दिन ये रहे, तो जब 14 डे खत्म होगा तो थोड़ा ध्यान से कहो हर ऑड डे पे कौन आ रहा है ए, फर्स्ट डे थर्ड डे फिफ्थ डे एंड सो ऑन, और हर इवन डे पे कौन आ रहा है मेरे पास बी, तो 14 डे यानी बी ने जब काम खत्म करा तो काम कितना फिनिश हो गया 14/15। अब इस पिक्चर में यानी 15th डे पर कौन आएगा मेरे पास पिक्चर में ए, है ना थोड़ा ध्यान से देखो पक्का, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 दिन में कितना 2/15, तो 4 डेज में कितना क्योंकि अपन दो दो दिन कैसा लगा इकट्ठे, दो दो दिन, 2 दिन में कितना 4/15, तो 6 डेज में कितना 6/15, तो 14 डेज में कितना को बचेगा 14/15, तो फिलहाल चीज पे दो चीज, 14th डे पे 15th डे पे आएगा ए, लेकिन उसको काम कितना करना है देखो, तो रिमेनिंग वर्क निकालो पहले, तो रिमेनिंग कितना टोटल माइनस डन, टोटल वर्क है 1 माइनस कितना 14/15, तो वर्क बचा कितना बिल्कुल सही 1/15, ये 1/15 वर्क किसको करने को मिलेगा ए को, कि ये बचा हुआ काम आप कर लो, है ना हर बंदा अपना हिस्से से का काम करते आ रहा है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान से को, तो 15th डे पर ए पिक्चर में आया उसको काम कितना करना है 1/15, है ना, तो यहाँ पर आपको उसका कैलिबर चेक करना पड़ता है वो काम करने के लिए कैपेबल है ना या आगे फॉरवर्ड कर रहा है कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये रहा ए और ये रहा रिमेनिंग, रिमेनिंग देखो जानते हैं ये 1 डे में कितना फिनिश कर सकता है 1/12 पार्ट, वो वर्क बाकी कितना है बिल्कुल सही 1/15, है ना फ्रैक्शन को कंपेयर करने का तरीका बेस्ट मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का इधर इधर का, ये 15 और 12, अब समझो यानी ए कितना काम कर सकता है 15 यूनिट, वो काम बाकी कितना है 12, यानी काम उसी दिन फिनिश हो जाएगा क्योंकि ए 15 यूनिट कर सकता है 15 खिलौने बन सकता है, लेकिन उससे बनाना कितने 12 यानी उसी दिन में खत्म होगा, तो आप देखो ध्यान से, तो आप बोलो 1 वर्क ऑफ ए पूरा काम अगर ए के हवाले तो कितने लगते 12, लेकिन काम बाकी कितना है यहाँ पे 1/15, तो 1/15 पार्ट ऑफ वर्क ए कितने में फिनिश करेगा 12/15, यानी कितना का 4/5 और डे, इन्हें उस दिन का उसके जो दिन है उसका 4/5, इन्हें इस केस में जब ए ने स्टार्ट किया है तो टोटल डेज कितने लगे जानते हो, टोटल लगे 14 + 4/5, चाहो तो फ्रैक्शन ले लो या सीधा बनाओ 14 × 4/5 डेज, है ना ये कब किसके लिए ए के लिए, कुछ बुक्स में जरा देखो तो वो ऐसे भी एक ही मेथड देते हैं ऐसा, लेकिन स्टार्टिंग मैटर करती बेटा, अगर ये बंदा बी होता तो सीक्वेंस क्या बनती जरा देखो ध्यान से, अगर बी इनिशिएट द वर्क होता तो आप क्या उनके सीक्वेंस बनती बोलो मेरे पास बोलो 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 बी ए बी ए बी ए ऐसा सीक्वेंस देखो कब तक चलता है जब तक इक्वल टू 1 नहीं हो जाती, है ना तो आप ए प्लस बी या बी प्लस ए ऐसा लिख लो कोई बात नहीं, बात तो ही पढ़ना नहीं, तो बी प्लस ए का 2 डेज का कितना बनता है फिर से वही पूरा 2/15, 4 डेज में कितना 4/15 एंड सॉन एंड सॉन ऐसा चलता रहता, लेकिन देखो अगर बी स्टार्ट करता तो कितना फर्क पड़ता ध्यान से, यहाँ तक मुझे सबकी जरूरत पड़ेगी, तो 15 डे पर अब एक ही जगह कौन आएगा मेरा बी, है ना 15 डे क्योंकि हब अब हर ऑड डे पर कौन आने वाला बी और हर इवन डे पर कौन आएगा ए, सही बात, तो 15 डे पर आपको आएगा मेरे पास बी, उसके पास उस दिन काम कितना रहेगा 1/15, अब देखो 15th डे पर आप बी आया तो कितना रिमेनिंग ध्यान से, है ना बी का वक्त कितना है मेरा बोलो 1/20 और रिमेनिंग कितना है वन बाय फिफ्टीन,
क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन है, कंपेयर करो 15 और 20, इन्हें हुआ क्या? बी कर सकता है 15 यूनिट काम, लेकिन बाकी कितना है? 20। इन्हें वो क्या करेगा, अपने हिस्से का काम करके आगे बढ़ जाएगा। ये खास चीज़ है। तो अब देखो 15 डे पर क्या बचेगा, न्यू रेमेनिंग ना, काम पूरा नहीं होगा, बचेगा काम। तो न्यू रेमेनिंग कितना, दैट इज काम कितना है बोलो, 1/15, इसमें माइनस कर दो ए का वक्त, क्योंकि एक बी कितना कर सकता है काम उस दिन, 1/20 पार्ट। अब ले लो एलसीएम कितना, 60, 4 - 3 यानी कितना, 1/60 पार्ट। अब ये 1/60 किसके लिए जाएंगे, अगले दिन। तो अगले इवन डे पर कौन आएगा, ए। फिर से देखो, अब फिर से क्या बोलोगे, मेरे पास चाहो तो फिर से कैलिबर चेक करो 16th डे पे, है ना, 16th डे पे ए और न्यू रिमेनिंग, ए कितना कर सकता है 1/12 पार्ट, और रिमेनिंग कितना है 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 एंड 12। ने साहब ए का कैलिबर ज़्यादा है, वो काम को उसी दिन फिनिश करेगा। तो फिर से कनेक्ट करो, ए पूरा वक्त कौन, ए कितने फिनिश कर सकता है मेरे पास, 12 डेज। तो वक्त बाकी अब कितना है, 1/60 पार्ट ऑफ द वर्क, कौन फिनिश करेगा, ए, 12/60 यानी कितना, 1/5 ऑफ अ डे। यानी उस केस में जब बी स्टार्ट कर रहा है तो डेज कितने लग रहे हैं, 14 डेज, जब उनके कपलिंग करी अपने, है ना, एक दिन किसका, बी का, है ना, और 1/5 ऑफ डे किसका, वापस से ए का। तो डेज रखे 15:1/5 डेज ना, याद रहेगा। इसे बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रिमेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता भी है, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा 2-3 बार पलटा पलटा के देखना तो क्लिक होगा धीरे धीरे, और स्टेप बाय स्टेप आप लिखते भी चलो, एक एक स्टेप लिखोगे तो धीरे 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 क्लियर होगा वो, है ना, ठीक है। और क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि टोटल वर्क हमेशा कितना होता है, 1 यूनिटी, है ना, है ना, आगे बढ़ाए। तो ये सबसे दमदार चीज़ है जो पूछी जाती है एग्जाम में, और ये लेवल अप है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है आपको, लेवल अप है इसमें, हटाए। अब इसी टॉपिक से कनेक्टेड बनता है मेरे पास, पाइथन इंस्टेंस, ठीक है, इजी है। इसे बनाने के लिए सेम कंसेप्ट, कोई कंसेप्ट में फर्क नहीं आएगा, अपन वही का वही कंसेप्ट लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन पहले समझो पाइप, ये तो सिस्टम अपना टैंक, वो टैंक बोलो, फिर टंकी बोल दो। पाइप दो टाइप के होंगे, पहले इनलेट या फिलर, इनलेट मतलब फिलर जो टैंक को भरेंगे, वो हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव इन नेचर, हाँ है ना, क्योंकि ये कैपेसिटी को हमेशा बढ़ाते हैं। इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे पाइथन सिस्टम में एक मतलब यू में से एक कंसेप्चुअली सोचा जाता है कि जब तक नहीं जाया टैंक हमेशा कहता है एम्प्टी, हाँ आप हमेशा देखिए, अंटिल अनलेस दे आर स्पेसिफाइड ऑलवेज ज्यूम टैंक टू बी एम्प्टी, कुछ नहीं दिया मतलब टैंक खाली पड़ा है ना, हमेशा टैंक हमेशा खाली, अगर भरा हुआ तो बकायदा बताया गया, 1/5 भरा, 4/5 भरा बताया गया। तो पहला जो टैंक भरने वाले पाइप इनलेट, लेकिन जो खाली करते हैं उन्हें बोलते हैं आउटलेट्स, है ना, आउटलेट दे आर ऑलवेज निगेटिव इन नेचर, इन्हें लीक बोल सकते हैं, लीकेज बोल देंगे, सब एक ही बात है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। है ना, तो अब इसी टॉपिक पर, तो अपने उसे इतना रखना है कि अगर पाइप इनलेट है तो उनका नेचर किसी को पॉजिटिव प्लस साइन ले जाना, पर अगर नेगेटिव तो साहब उसका साइन साहब को कैसे रहा नेगेटिव। बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा सा भी अगर आप टिपिकल करने जाओ तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए समझो इनलेट है तो पॉजिटिव साइन रखना है, आउटलेट होगा नेगेटिव, लीक लीकेज है तो आपको नेगेटिव साइन रखना है। हम प्रीवियस वाला डेटा ही इस्तेमाल करेंगे, कैसे था ना, वो पाइप वाले था ना, अपने लिया था स्टार्टिंग में, एक करके बंदा किसी काम को 12 दिन में, है ना, तो मान लीजिए एक कोई अब पाइप है, किसी टैंक को 12 मिनट में भर भी सकता है और खाली भी कर सकता है ना, डे से मिनट ले लिया। बी भी एक कोई सा पाइप है जो किसी टैंक को 20 मिनट में भर भी सकता है, खाली कर सकता है, मिनट की जगह आज भी जगह को फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही है ना। देखो
फिलहाल है भर भी सकता, खाली सेम कैपेसिटी है ना, ऐसा कुछ भी। तो मैं अगर बोलूं कि मान लीजिए, अब इनका नेचर डिपेंड करता है, ठीक है, मान के चलो इनिशियल रिज्यूम करो टैंक एम्प्टी खाली है ना, तो मैं पहला सवाल, तीनों टाइप है ना, तीनों टाइप एक साथ समझा दो। पहला, अगर ये दोनों इनलेट की तरह भरने के वाले की तरह वर्क करें तो टैंक कितने में भरा जाए, तो आप क्या बोलोगे? बोलो, पहले आप बोलो थे ए प्लस बी वन डे, अब इसे क्या बोलो, 1 मिनट, क्योंकि मिनट में दिया, और दोनों कैसे पॉजिटिव, इसे साइन दोनों क्या, ए डिफॉल्ट पॉजिटिव और बी भी ऐड कर रहा है, कितना 1/12 प्लस 1/20, एलसीएम कितना दोस्तों 60, बिल्कुल सही, 5 + 3 8/60, कितना बोलो बोलो, 2/15, लेकिन फिर से कितना है मेरे पास, बोलो 1 मिनट का वक्त, तो आप करोगे टोटल कितना लगेगा, बोलो टोटल कितना बना, 15/2 या 7.5 मिनट, कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखते ना। लेकिन दूसरा केस मान लो, दूसरा केस बोले अगर ए कैसा है इनलेट, ए भरे और बी खाली करे उसकी और टैंक खाली है, तो टैंक कितनी देर में फिलअप होगा, तो आप कहो लोग फिर से मतलब हैंड से ए माइनस बी 1 मिनट बाद। अब माइनस क्यों लिखा, क्योंकि ए भर रहा है लेकिन बी नेगेटिव, तो खाली करेगा, ए कितना भरेगा बोलिए 1/12, लेकिन बी कितना भरेगा 1/20, खाली करेगा, फिर से एलसीएम कितना सेट होगा 60, 5 - 3, तो ये आया ए माइनस बी 1 मीटर, कितना है 2/60, 1/30, 1 मिनट का कितना बना 1/30, तो टोटल कितना का, रिसिप्रोकल कर दो 30 मिनट, यानी उस केस में जब ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है तो टैंक पूरी कितनी देर में, 30 मिनट में भर जाए, है ना, बी कॉन्शियस। थर्ड केस, अगर ए खाली करे और बी भरे तब टैंक कितनी देर में भराएगा, ऐसा कुछ है ना, ध्यान से कहो। तो आप बोलोगे माइनस ए प्लस बी 1 मिनट वर्क, या इससे आप ऐसा ही ले सकते हो मेरे पास बी माइनस ए 1 मिनट वर्क, आपको जो भी ठीक लगे, चॉइस विल बी आस। पहला वाला लेते थे, ठीक है, अपन माइनस लगाते थे, माइनस से लगे, ठीक है ना। तो ए कैसा, माइनस का 1/12, बी कितना 1/20, ये दोनों के 1 मिनट का वर्क है, एलसीएम फिर से कितना 60, -5 + 3 माइनस का 2/60, और सॉल्व करो, माइनस का 1/30 है ना। तो ये तो 1 मिनट का हो गया, टोटल लो कितना, टोटल कितना है मेरा बोलो, रेशियो लो माइनस का 30 मिनट। खास बात, टाइम तो नेगेटिव होता क्या है माइनस में, नहीं, तो इसका मतलब है, पहली केस, पहली चीज ध्यान सुनो, अगर वो ये दे दे कि टैंक खाली है शुरुआत में, तो इसका मतलब है -30 का मतलब क्या, टैंक विल बी नेवर फिल्ड, टैंक कहीं भरा ही नहीं सकता। क्यों नहीं भरा सकता, ध्यान से को, क्योंकि उसको खाली करने में टाइम कितना लग रहा है 12 मिनट, है ना, उसको भरने में टाइम कितना लग रहा है 20 मिनट, तो खाली करने का रेट फास्ट है, इसलिए टैंक हमेशा खाली रहेगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ऐसा दे दें कि टैंक ऑलरेडी भरा हुआ है फिर इन दोनों को एक साथ खोला गया, तो अब जो भरा हुआ टैंक है वो 30 मिनट में खाली होगा, क्लियर है ना, अरे है ना, खाली है तो फिर तो कभी भर ही नहीं सकता, नेवर फिट, लेकिन ऑलरेडी वो भरा हुआ है, तो पूरा भरा हुआ टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा मेरे पास 30 मिनट में। इस क्वेश्चन को कभी अगर वो आगे एक्सटेंड कर देते, कैसे, वो बोलेंगे कि मेरा टैंक 1/4 भरा हुआ है तो कितने में खाली हुआ, तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से इक्वेट करो सिंपल से, तो अगर बोलेंगे टैंक 4/5 पार्ट फुल है, तो आप बोलोगे एक पूरा टैंक कितनी देर में एम्प्टी होता है, 30 मिनट में, तो 4/5 ऑफ टैंक कितनी देर में एम्प्टी करेगा, वो 4/5 × 30 6 दैट इज 24 मिनट्स, ना कोई भरा हुआ टैंक है तो फिर वो 24/4 भरा हुआ टैंक 24 मिनट में खाली हो जाएगा। शर सब लोग अच्छे से क्लियर, तो इस पूरे टॉपिक में यही है, लेकिन खास बात क्या है, फिर से रिवाइज करके बता देता हूँ, टैंक
टोटल वर्क ऑलवेज बीइंग बी यूनिटी, जब तक काम पूरा होगा वैल्यू हमेशा कितनी बन जाएगी, इक्वल टू वन। टोटल डेज का रेसिप्रोकल हो तो वन डे का वर्क आएगा, वन डे का वर्क रेसिप्रोकल तो कहेगा टोटल डेज का वर्क आया। पहली चीज इक्वल टू वन, वन है काम पूरा हो गया, जब तक लेस देन वर्क है वन है तो वर्क कैसा रहेगा रिमेनिंग, ग्रेटर देन वन है तो कैसा हो जाएगा मेरे पास ओवरफ्लो। याद रहेगा सारी चीज़ें, ठीक है? तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो, टॉपिक बहुत ईजी है, कोई सी बुक उठाइए, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन इट, ठीक है? फटाफट बनेगा और बहुत ईजीली बनता, ठीक है? इसलिए सिंपल एंड सोबर तरीके से समझा। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तो इसलिए वीडियो बार बार पीछे आगे पीछे करके देखो और एक बार में क्लियर करो सर। लेकिन अगर आपसे इससे न्यूमेरिकल बनते हैं तो यकीन मान के चलो बहुत कम लोग इसके ऊपर अच्छे से वर्क कर पाते हैं और सॉल्व कर सकते हैं मेन एग्जाम में, तो आप भी करिए, ठीक है? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट इस टॉपिक के लिए आप लोगों मेरी तरफ से, है ना? और फिर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो मेरी तरफ इस टॉपिक में तो प्लीज़ व्हाट्सअप मी ऑन संतोष साहू 8517801597, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इसे व्हाट्सअप करके फीडबैक भी दे सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं ना। आप चैनल सब्सक्राइब भी कर लें तो आप जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं आपको मिलते जाएंगे बिना के, ठीक है? थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना? तो करिए ना, ठीक है ना? अच्छे से मेहनत करिए, बनेगा ये। चलिए, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू ना।